रात के 3 बजे। अरे कुछ हो और भी हो सकता है, बड़ी बड़ी बीमारी भी हो सकती है, टीबी भी हो सकता है। अच्छा ठीक है, और क्या क्या खांसी के साथ? ठीक है भाई, मैं खांसी के साथ खून भी आ रहा है कभी कभी, और रात को पसीना आ रहा है, बहुत थकान हो रही है भाई, बहुत ज्यादा। तो कल पक्का चले ही जाओ हॉस्पिटल, करवाना ही पड़ेगा। क्या प्रॉब्लम है आपको? खांसी हो रही है बहुत ज्यादा, और थकान भी हो रही है। कितने टाइम से हो रही है? हो गए 3-4 हफ्ते हो गए। अच्छा, बलगम तो नहीं आता है खांसी में? बलगम आता है, खून भी आता है। वजन तो नहीं कम हुआ है आपका? मतलब कपड़े ढीले हुए हो? हाँ लगता है। अच्छा अच्छा, पसीने तो नहीं आते हैं? हाँ रोज सर पसीने, मतलब नींद नहीं आती है, पसीने भी आते हैं। टीबी घबराने की कोई बात नहीं है, इसका पूरा इलाज है, आपको बस दवाइयाँ टाइम टू टाइम लेनी है। इसका इलाज 6 महीने का चलता है, तो अगर आप पूरी ट्रीटमेंट लेंगे तो आप बिल्कुल पूरे तरीके से ठीक हो जाएंगे। आप डॉक्टर चले जाइए, वहाँ पे आपको मेडिसिन दी जाएगी, और इसकी मेडिसिन बिल्कुल मुफ्त में दी जाती है। हाँ, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसके अलावा पोषण योजना के बारे में बताती हूँ, उसमें आपको 500 रूपये पर मंथ गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगे। तो आपको या तो यहीं पे किसी हॉस्पिटल में जाके अपना रजिस्टर करवा ले, या फिर आप ऑनलाइन भी इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। तो आपको निक्षय पोर्टल पे जाना है, वहां पे ऑनलाइन फॉर्म भरना है और अपनी सारी डिटेल्स देनी है। तो एक नंबर जनरेट होगा, तो उसके थ्रू आप अपना आपको 500 रूपये मिल जाएंगे। क्या बताऊंगा मैं, अटेंडेंस पूरी हो रही है ना, असेसमेंट पूरी हो रही है, भाई मैं फेल हो जाऊंगा ऐसे करके यार। मेरी तो पिछले साल की भी पूरी नहीं है यार। घर वैसे तो मेरी भी पूरी नहीं है। अच्छा, मेरी भी पूरी नहीं है। पिछली रात स्टिंग ऑपरेशन। क्या है भाई? अरे भाई कुछ नहीं कुछ नहीं। कैसे कुछ नहीं? अरे भाई मैं बस देख रहा था क्या बना। भाई ध्रुव क्या हुआ भाई तेरे को?
आजकल बड़ा उदास रहता है, ना किसी से बात नहीं करता, ना किसी से हेलो आई करता। क्या सी कुछ नहीं हुआ है भाई, कुछ नहीं कैसे कुछ नहीं हुआ, उदास लग रहा है तू। बता भाई मेरे को बता। नहीं भाई मुझे कोई बीमारी नहीं है। कोई को नहीं बताएगा, तू अपने जिंदगी याद नहीं बताएगा। बता भाई एक दिक्कत आया है। क्या दिक्कत? टीबी हो गया है भाई। अबे यार टीबी, टीबी भी कोई बीमारी होती है। अबे मेरे दादा को टीबी हुआ था, नीचे तीन पैग मारते थे, बस तीन पैग, बस 90 साल के लिए, 90 साल। ऐसा नहीं होता है भाई, टीबी एक गंभीर बीमारी है। अबे यार गंभीर गंभीर कुछ नहीं होता है। एक काम कर, मैं और तू ना एक ही सुविधा मिलता है। अबे टीबी समझ गए तू है यार। अबे यार मैं तो चला सुविधा भी। और भाई क्या हाल चाल? बढ़िया भाई, और सुनाओ। अरे तूने सुना उस ग्रुप को टीबी हो रहा है? टीबी भाई, टीबी तो बहुत जानलेवा बीमारी है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। कैसे जानलेवा भाई, टीबी ही तो है, कैंसर थोड़ी ना जो जानलेवा बोल रहा है। भाई ये बीमारी एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल जाती है, तुम भी उसके साथ घूमते हो, जाओ मुझसे दूर रहो। जो देखो ज्ञान देने आ जाते हैं आजकल। पंकु भाई क्या हो गया, बहुत उदास लग रहे हो। अरे क्या बताओ यार, क्या है? कुछ हफ्ते पहले मुझे भी खांसी थी यार। अच्छा, तो डॉक्टर के पास गया, उसने कुछ टेस्ट लिखे, तो टेस्ट में पता लग रहा है कि अब टीबी है। टीबी भाई, आप सुट्टा पी के बीमारियां भगाने वाले इंसान हो, आपको टीबी से क्या डर? टीबी को बीमारी आपके लिए है? यार अब आप भी ऐसा करोगे यार मेरे साथ? अरे कोई सुनो, टीबी का इलाज है ठीक है, 6 महीने का कोर्स चलता है, आपने ऊपर डॉट सेंटर जाना है ठीक है, वहां पे आपको दवाइयां मिलेंगी रेगुलरली, 6 महीने तक दवाइयां अगर आप खाओगे तो आपका टीबी ठीक हो जाएगा, मेरा भी ठीक हो जाएगा ठीक है। ठीक, घबराना नहीं। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी और एकदम से फूलना, बुखार और थकावट होना, वजन कम होना और रात को ज्यादा पसीना आना, ये सारे टीबी के लक्षण। अब आपने टीबी के लक्षण को जान लिए, अब आपने क्या करना है? सबसे पहले सिर्फ 2 चीजें करनी है, जिनको टीबी हो गया है उनको टीबी का इलाज कराना है, और दूसरा जिनको टीबी नहीं हुआ है उनको टीबी से बचाव करना है। अब सवाल ये उठता है कि टीबी का इलाज कैसे करा जाए? गवर्नमेंट ने हमारी इतनी सारी स्कीम्स लाई है जैसे कि डॉट्स, तो फिर हमें क्या करना है? हमें 2025 तक गवर्नमेंट का साथ देकर टीबी मुक्त भारत बनाना है। और दूसरा सवाल ये उठता है कि अब टीबी से बचाव कैसे करें? सिंपल है, मास्क को पहनो, क्योंकि मास्क पहनने से टीबी से बचाव होता है। और तीसरा मेन बात ये है कि अगर आपको कोई आसपास खांसी मिलता है तो उसे पूछना मत भूलिए। 2 हफ्ते हो गए हैं क्या?